हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीवीएनई लर्निंग क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक पोएम द काइट फ्रॉम हनीस्कल। लेट्स सी द काइट रिटन बाय हैरी बेन। इसके जो पोइट है द काइट पोएम के, वो हैरी बेन हैं। ये स्टोरी नाम से ही क्लियर हो रही है, काइट मीन्स पतंग, पतंग के बारे में है कि हम सभी जानते हैं जो काइट फ्लाइंग होती है, ये बहुत से जो व्यक्ति है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इस टाइम ये सीज़न भी चला हुआ है काइट फ्लाइंग का, और हम सभी पतंग उड़ाना चाहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पसंद करता, लाइक करता है, तो आप देखते हैं कि वो कैसे पतंग के पीछे दौड़ते हैं और उन्हें उड़ाना पसंद है। और हम इसमें, इस पोएम में पतंग के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि पतंग की इसमें क्या क्वालिटी, क्या विशेषता बताई गई है। आसमान में उड़ती हुई पतंग कैसे लगती है, तो उस उड़ती हुई पतंग के बारे में एक कविता है, इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, लेट सी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू। व्हेन मीन्स जब, इट इज़ ए न्यू, जब काइट न्यू होती है, नई होती है, तो कैसे ब्राइट होती है, इट मीन्स चमकती है। और कहाँ पर चमकती है? ऑन द ब्लू, ब्लू का मीन्स यहाँ पर स्काई यानी कि आसमान के बारे में बताया है। विद अ डीव एंड डिप एंड स्नैप्स इट टेल। जो काइट है डिव एंड डिप यानी कि ऊपर नीचे ऐसे फड़फड़ाती है, गोता खाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। और जो काइट होती है उसके पीछे हम एक लंबी सी, जो कहते हैं ना, एक रस्सी बांध देते हैं, जो उसकी पूंछ होती है, स्नैप टेल, जैसे सांप की जो पूंछ होती है, इसलिए एक लंबी पूंछ से हम डोरी या स्नैक उसको बांध देते हैं। देन श्योर लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल इज ओवर टाइड्स और वाइंड इट राइड्स। देन तभी इज श्योर लाइक, जब इस पे हम रस्सी बांध देते हैं पतंग के पीछे जो लंबी इसकी पूंछ की जैसे लगती है, तो ये हवा में ऐसे उड़ती है जैसे समुद्र के ऊपर जो जहाज होता है, शिप, वो चल रहा है। विद ओनली ए सेल, और जो जहाज को चलाने वाला, जो पानी का जहाज होता है उसको चलाने वाला जो नाविक होता है, यह भी आसमान में ऐसी उड़ती हुई नज़र आती है जैसे समुद्र में पानी का जहाज चल रहा हो, हवा में ऐसी उड़ती हुई नज़र आती है। एज़ ओवर टाइड ऑफ वाइंड इट्स राइड, जब तेज़ हवा चलती है तो ये हवा पर सवार हो जाती है, राइड्स करती है, उसकी सवारी करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ गस्ट एंड पुल्स देन सीम टू रेस्ट एज फाइन वॉल्स। क्लाइम टू द क्रेस्ट, ये ऊपर शिखर तक यानी कि सबसे ऊंची क्रेस्ट होती है, सबसे ऊंचाई वाली जगह को, जो आसमान सबसे ऊंची जगह, वहाँ पर ये चढ़ जाती है, क्लाइम करती है। ऑफ गस्ट एंड पुल, और हम इसे आगे पीछे इसकी डोरी से इसको खींचते हैं, गस्ट करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, इसको खींचते हैं। और देन सीम टू रेस्ट, और जब ये नीचे आती है तो मानो ऐसा लगता है अब ये आराम कर रही है। और ये रेस्ट करती हुई कब प्रतीत होती है, कब ऐसी लगती है हमें कि ये रेस्ट कर रही है? एज वाइंड फॉल, जब हवा नहीं चलती है, मौसम ख़राब होता है और हवा चलना बंद कर देती है, तो ये हमें ऐसी लगती है जब ये नीचे की तरफ आ जाती है, आसमान से धरती की तरफ जब धीरे धीरे आती है, तो ऐसा लगता है ये रेस्ट कर रही है आराम। बिल्कुल मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है काइट्स को, एक मनुष्य की तरह बताया कि रेस्ट करना, क्योंकि जो कार्य है मनुष्य का कार्य आराम करना। जब हम लोग जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम स्लिप करते हैं, आराम करते हैं, तो इसी तरह काइट्स की भी पर्सोनिफिकेशन यानी उसका मानवीकरण किया गया है। जब हवा चलती नहीं है, मंद पड़ जाती है, तो पतंग उड़ती नहीं है, वापस नीचे आ जाती है, तो ऐसा लगता है ये रेस्ट कर रही है। और अलॉन्ग विद, और इसके साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। ये हमारा स्टेंजा है, जो कंप्रीहेंसिव पैसेज होते, लाइनें होती है पोएम की, जो लाइनें होती है उसे स्टेंजा कहते हैं। कंप्रीहेंसिव मीन्स एक स्टेंजा या पैराग्राफ होता है, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, और उसी स्टेंजा या पैराग्राफ में से उस क्वेश्चन के आंसर हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा हमने रीड कर
चुके हैं। अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो हमारा कंप्रीहेंशन पैसेज बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पोएम का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हो हमारी पोएम आज की कौन सी पोएम है, द काइट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा द नेम ऑफ द पोएम इज द काइट। आपको व्हाट की जगह केवल द काइट लिखना है। स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, यहाँ से करना आंसर इसका द नेम ऑफ द पोएम, फिर इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब क्या है द काइट। काइट को आप इन्वर्टेड या सिंगल कोमा में भी कर सकते हो क्योंकि यह किसी पोएम का नाम है, किसी का टाइटल होता है, उसे स्पेशल इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए हम इन्वर्टेड कोमे सिंपल कोमे का यूज़, सिंगल कोमे का यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट, यानी कि इस पोएम का पोएट पूछा गया है। पोएम है हमारी द काइट, तो पोएट का नाम पूछा गया है। तो आंसर में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, द नेम ऑफ द पोएट इज, इसके आंसर है इसी में, मैं आपको दिखा दूंगी, फिर भी मैं आपको बता के चल रही हूँ और मैं और भी आगे जब पेज टर्न करूँगी तो आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो इतना तो सभी को नॉलेज होना चाहिए, इतना तो आप कर सकते हो, सिक्स स्टैंडर्ड में हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो सेल्फ समझ के। यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको क्या समझ में आया है। तो आंसर को हम बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करेंगे, द नेम ऑफ द पोएट इज, व्हाट की जगह पूछा है तो आगे हम लिख देंगे हैरी बेन। देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहाँ दे रखा है, द नेम ऑफ द पोएम द काइट, द नेम ऑफ द पोएट इज हैरी बेन। देखो इन्हें सिंगल कोमा में दिखाया गया है क्योंकि जो टाइटल वगैरह होते हैं वो सिंगल कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में, तो किसी की बात होती है, कोटेशन होती है, उसे हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सी, वेयर डज द काइट फ्लाई, कि वेयर मीन्स कहाँ, जगह पूछा है कि पतंग कहाँ उड़ती है। तो सभी जानते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस बात को कि जो काइट होती है पतंग वो आसमान में उड़ती है, स्काई में उड़ती है। तो आंसर होगा इट फ्लाइज इन द स्काई। तो आप द काइट भी देख सकते हैं, या हमें ये भी जाना है जो प्रोनाउन होता है, जो इट प्रोनाउन होता है वो वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। तो ये काइट वस्तु है, मटेरियल थिंक है, नॉन लिविंग थिंक है, इसलिए हम इट यूज कर सकते हैं। तो इट फ्लाइज इन द काइट, जो पतंग है वो कहाँ उड़ती है, स्काई में, आसमान में उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज इट स्नैप, स्नैप इसकी जो स्नैप होती है ये पीछे क्या होता है, इसके कैसे डूबती है, कैसे गोता खाती है, कैसी लगती है। तो आंसर इज इट स्नैप इट टेल, इसके जो पीछे होती है पतंग के पीछे क्या बांधते हैं हम, एक टेल यानी कि एक रस्सी बांधते हैं जो एक पूंछ का काम करती है। जैसे जानवर की पूंछ होती है ऐसे ही काइट के जो पीछे रस्सी हम बांधते हैं वो टेल कहलाती है, स्नैप टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इट व्हाट डज इट राइड ओवर, राइड ओवर होता है किसी चीज़ के ऊपर सवार होना, ये किसके ऊपर सवार होती है। तो आंसर इज इट राइड्स ओवर वाइंड, ये हवा के ऊपर सवार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट क्लाइम, ये किस पर चढ़ती है, कहाँ पर चढ़ती है, क्या करती है, कैसे चढ़ती है। तो आंसर इज इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, ये ऊंचाई तक, क्रेस्ट होते सबसे ऊंचाई ऊंची जगह को कहते हैं, तो इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डज इट सीम टू रेस्ट, व्हेन मीन्स कब, अब समय पूछा है, वेयर होता है कहाँ, जगह के लिए पूछते हैं व्हेन कब, ये कब सीम होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, रेस्ट आराम करती हुई कब दिखाई देती है, जब हवा चलना बंद हो जाती है। आंसर इज इट सीम टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स, फॉल होता है गिरना, यानी कि हवा गिरने का मतलब है कि हवा कम हो जाना, हवा नहीं चलना। तो कब ये हमें रेस्ट करती हुई सीम करती हुई नज़र आती है, जैसे ही वाइंड फॉल्स, जब हवा नहीं चलती, हवा बंद हो जाती है। लेट्स मूव नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा करेंगे हम। सेकंड स्टेंजा है हमारा, व्हेन स्ट्राइक गोस लैक यू वाइंड इट बैक एंड रन अंटिल एंड न्यू ब्रिज ब्लो एंड इट्स स्विंग फील एंड अप इट्स गो, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट इज न्यू बट अ रैगड थिंग यू विल नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री।
व्हेन जब स्ट्रिंग गोस स्लैक यू वाइंड इट बैक, जब ये वापस चली जाती है, जब हवा दोबारा चलती है तो वापस उड़ जाती है। हम इसे जब छोड़ते हैं रस्सी के साथ, स्ट्रिंग होती है जब इसके साथ जो पीछे डोरी बंधी होती है स्लैक्स, और डोरी बांधते हैं, जो डोर होती है जिससे हम इस पतंग को बांधते हैं स्लैक्स, इसे छोड़ते हैं तो वापस चली जाती है जब हवा दोबारा चलती है। एंड रन अनटिल, और ये तब तक उड़ती है, तब तक भागती है। अ न्यू ब्रिज ब्लो, जब एक नई ब्रिज यानी कि हवा दोबारा से, हवा का संचार होता है, हवा चलती है, इट विंग्स विल फिल, तो जो ये पतंग है इसको एक बर्ड्स की संज्ञा भी दी है, इसको बर्ड्स ही बताया है, जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं पंख, इस तरह इसमें काइट के भी विंग बताया है, इसका भी मानवीकरण वो किया गया है। तो जो इसके विंग्स होते हैं पंखों में जो हवा भर जाती है, एंड अप इट्स गो, और ये ऊपर की तरफ अप होता है, ऊपर डाउन होता है नीचे, तो पतंग ऊपर की तरफ उड़ती है आसमान में, तेज़ी से चली जाती। कब चलती है? जब दोबारा से हवा चलनी शुरू हो जाती है तो इसके पतंग में एक हवा भर जाती है, जैसे पक्षी के पंख होते हैं आसमान में उड़ते हैं, ऐसे ही लाइक दैट जो काइट है वो भी फ्लाई करती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, हाउ कैसी प्रतीत होती है, चमकीली नई होती है जब पतंग, जो चमकीली होती है, चमकदार होती है, क्योंकि नई चीज़ें चमकती है, पुरानी चीज़ें डल हो जाती है। ऑन द ब्लू, और आसमान में ये ब्लू स्काई को दिए कि कैसे ये चमकीली चमकती हुई आसमान में हमें ये दिखाई देती है जब पतंग नई होती है। बट परंतु आ रैगड थिंग, ये रैगड करती है, घिसटती हुई कब आती है, विल डेवर विल सी वेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब ये किसी वृक्ष के टॉप में यानी कि ऊंचाई में किसी वृक्ष में फंस जाती है, इसकी डोरी स्ट्रिंग फंस जाती है, फ्लैप्स ये गिर जाती है, तो आपको ये रगड़ती हुई फड़फड़ाती हुई नज़र आती है। जब अब पतंग उड़ाते हैं तो बेटा ये होता है, जब कोई टॉल वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, और उसकी टहनी में ये अलग जाती है, तो ये वहाँ से फड़फड़ करती हुई जब अब इसे निकालते तो रगड़ती हुई आती है, उसमें फंस जाती है। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, व्हाट हैपन, क्या प्रतीत होता है जब इसकी स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब इसकी जो डोरी है ढीली पड़ जाती है, कब पड़ जाती है, क्या होता है जब इसकी डोरी ढीली पड़ जाती है, यहाँ से हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, कब इसकी डोरी ढीली पड़ जाती है। आंसर इज, वी फाइंड द स्ट्रिंग बैक व्हेन इट इज गो स्लैक, जब इसको हम जब वी वाइंड द स्ट्रिंग बैक, जब वैसे वापस इसकी डोरी को खींचते हैं व्हेन, तभी ये गो स्लैक यानी कि ढीली पड़ जाती है, वापस आ जाती है। बट फील्स इन इट्स विंग्स, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट फील्स इन इट इज विंग, इसके पंखों में क्या भर जाता है, तो आंसर इज, न्यू वाइंड फील्स इन इट्स विंग्स, इसकी जो पंख होते हैं, पतंग जो पतंग को बर्ड की जो संज्ञा दी गई है, इसके पंखों में क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, जब तेज हवा भरती है तो ये पक्षी की तरह उड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच काइट इज ब्राइट, कौन सी, विच मैंने कौन सी या कौन सा, तो कौन सी पतंग ब्राइट होती है, चमकीली होती है। आंसर इज, न्यू काइट इज ब्राइट, जो नई पतंग होती है वो चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल अ काइट बी अ रैगड थिंग, कब, समय पूछा है, कब एक काइट एक रैगड थिंग हो जाती है, घसीटती हुई एक वस्तु बन जाती है। आंसर इज, इट विल बी अ रैगड थिंग व्हेन इट इज फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब किसी लंबे या बड़े वृक्ष के टॉप में ये जाकर फंस जाती है, इसकी डोरी फंस जाती है, और ये वहाँ से जब निकालते हैं तो रैगड़ रगड़ती हुई घिसटती हुई वापस आती है, एक बेकार सी वस्तु बन जाती है, रैगड़ थिंग बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट इज फ्लैप ऑन, क्या होता है इसकी फ्लैप्स में, क्या अटक जाता है, क्या अटक जाता है उसमें, तो इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये किससे बंधी होती है, डोरी से बंधी होती है, और वो डोरी से जब उसकी डोरी किसी उसमें अटक जाती है तो ये हमें गिरती हुई नज़र आती है। हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई, इसके 2 स्टेंजे हो गए हैं, उसकी मैंने आपको अर्थ भी बता दिया है, कंप्रिहेंशन स्टेंजे भी करवा दिए, साथ के साथ हम इसके एमसीक्यूज भी कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज द काइट इज ब्राइट व्हेन इट इज, जब चमकीली होती है पतंग तो कब होती है? आंसर फोर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए न्यू, बी ओल्ड, सी रैगर, डी ट्रोन। तो हमने पोएम में जाना कि ए न्यू, काइट इज ब्राइट व्हेन इट इज न्यू, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर कौन सा बताया गया है? ए रेड, बी ऑरेंज, सी ब्लैक, डी ब्लू। तो आसमान तो नीला होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइट स्नैप्स इट्स, इसकी स्नैप्स किस में होती है, किस में अटकती है? विंग्स, स्ट्रिंग, टेल, नथिंग। तो स्नैप्स यानी कि टेल, पूछ जैसी होती है, तो सी आंसर इज करेक्ट। फोर क्वेश्चन, व्हाट डज द काइट राइड ओवर, पतंग किस पर सवार होती है? तो हवा पर सवार होती है, हवा चलती है तो पतंग उड़ती है। ए रिवर, बी वाइन, सी और डी एरोप्लेन। तो बी आंसर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वाइंड फॉल द काइट सीम्स टू, जब हवा गिरती है यानी कि हवा नहीं चलती है, रुक जाती है, तो काइट हमें कैसी सीम होती है, कैसी प्रतीत होती है? ए रेस्ट, बी डाइव, सी डिप, डी श्योर। तो हमने पूछा रेस्ट करती है, आराम करती है, तो ए ऑप्शन रेस्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी वाइंड द स्ट्रिंग ब्लैक, ये कब स्ट्रिंग बैक करती है, वापस हम इसकी डोरी को खींचते हैं? ए व्हेन द काइट शोर अप, बी व्हेन द स्ट्रिंग गो स्लैक, सी व्हेन द काइट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, डी व्हेन अ न्यू ब्रिज ब्लो। डियर स्टूडेंट, इसके जो आंसर हैं हम आपके यहाँ एक टेबल है, आंसर टेबल है, उसमें भी दे रखे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ही आपके आंसर टेबल भी दे रखी है, आप यहाँ से भी आंसर को मैच कर सकते हैं इस टेबल में से भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो सिक्स का आंसर होगा हमारा बी, वेयर द स्ट्रिंग गोज स्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, व्हाट इज ब्राइट ऑन द ब्लू, क्या ब्राइट होती है आसमान में, क्या चमकीली होती है? काइट, वाइन, क्लाउड, स्ट्रिंग। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, काइट ब्राइट होती है। एट क्वेश्चन, व्हेन इट इज न्यू, व्हाट इज ए न्यू, क्या न्यू होता है? ए स्ट्रिंग, बी स्काई, सी वाइन और डी ऑप्शन यहाँ पर कटा हुआ है शायद। तो इसे पूछा है व्हेन इट इज न्यू, कब न्यू होती है, व्हाट इज न्यू, क्या न्यू होती है, तो काइट का बताएंगे कि काइट न्यू होती है, तो इसका आंसर काइट ही होगा। हाँ जी बेटा, इसका जो आंसर है वो डी होगा, काइट क्या नहीं होती है, पतंग नहीं होती है। नाइन क्वेश्चन, द काइट इज रैगड व्हेन इट, कब रैगड करती है, कब घसीटती नजर आती है हमें? ए सीम टू रेस्ट, बी राइड्स ओवर वाइन, सी कॉच इन द टॉप ऑफ अ ट्री, डी श्योर लाइक ए चिप। तो कब रैगड करती है, जब ये किसी वृक्ष में उलझ जाती है, उसकी टहनी में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉच इन द टॉप ऑफ अ ट्री। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोयम, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द काइट, इसे पूछा है हु मीन्स कौन है, द काइट पोएम के पोइट कौन है? तो आंसर इज बी करेक्ट, हैरी बेन। इसमें दे रखा है लॉरियन एम हाली, हैरी बेन, एलियन फ्रेजन और ई आश्योर। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट, हैरी बेन। तो दैट्स इनफ फॉर द डे, कंप्लीट दिस पोएम। डियर स्टूडेंट, यू लर्न एंड राइट दिस पोएम क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।